कहने को तो किसान हर तरीके की खेती कर रहे हैं, लेकिन आज हम शास्त्री नगर ई ब्लॉक में हैं। हमारे साथ एक ब्रजेश त्यागी जी हैं, किसान हैं, वो गौ आधारित खेती कर रहे हैं। आज हम उनसे ही बात करते हैं कि किस तरीके से वो गौ आधारित खेती कर रहे हैं और उनके साथ किस तरीके से और भी किसान साथ में हैं या नहीं। सर आप बताएंगे कि गौ आधारित खेती किस तरीके से कर रहे हैं? गौ आधारित में ये कि हम इसके जो गाय है वो भी हमारी भारतीय नस्ल की गाय जी, उसका काउडन, उसका गौमूत्र और उसका गोबर मेनली हम इससे इस्तेमाल करते हैं। ये भानु प्रताप जी हैं जी, गौशाला है हम उसमें, जगह मैं भी ट्रस्टी हूँ, वो भैया देखते हैं, क्योंकि इसमें बल्क में रिक्वायरमेंट आती है बागवानी में। अभी हमने यूज़ किया था 500 लीटर यूरिन था, 500 केजी वो था, 100 केजी जगरी था, चने की दाल का बेसन था, तो 10,000 लीटर बना के हमने एक साथ इन वन डे यूज़ किया है, जो कि अभी तक इंडिया में किसी ने किया है। सर ये खेती आप कब से कर रहे हैं? ये मैं 2016 से, अपने लिए तो मैं उससे पहले से कर रहा था, लेकिन मैं फुल फ्लैश जो आया हूँ 2016 से इस पर आया। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप पहले नौकरी करते थे, उसके बाद आपने नौकरी छोड़ के खेती चालू करी तो हाँ, मैं जिससे पहले जॉब करता था, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मेरा DCM में डाटा की उसमें था, उसके बाद मिला चला गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दूँ या आगे इसको संभालू, ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होगी, तो मैं सेकंड ऑप्शन अब चुना, मैं कम बैक आ गया और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो सर कितने एकड़ में खेती है या कितने ये क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती रहती है? ये मेरी जो खेती है, मेरे पास जो लैंड है वो तो लगभग 12.5 एकड़ है जी, उसमें फैमिली तो ज़्यादा है, लेकिन जिसको मैं कर रहा हूँ 12.5 एकड़ है। राकेश जी हैं, भानु भैया हैं, ये करते हैं ये बेस में, तो मेरा अपना 12.5 एकड़ है जो मैं उसमें लीची है, आम है, नाशपाती है, अमरूद है। तो सर ये जैसे गाय के गोबर से पूरी तरीके से आप इसमें खाद वगैरह होता है, तो आपको ये पॉसिबल हो पाता है कि इस तरीके से हो जाए? बिल्कुल सर पॉसिबल है, क्योंकि उसके 1 ग्राम गोबर के अंदर 200-300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। हम उनको मल्टीप्लाई करके उनको काम पर लगाते हैं, और एक गाय से 20 से 25 एकड़ में ये पढ़ के या वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल करने के बाद मेरी गारंटी है उसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम डेड श्योर। ऐसे ही हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं जो एक गौशाला चलाते हैं जिसमें काफ़ी गाय हैं उनके पास। आज इनसे बात करते हैं कि गाय हैं और वो किस तरीके से ये गौशाला चला वो करते हैं खेती बाड़ी के लिए। जो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी गौशाला है वो भारतीय नस्ल मतलब देसी गाय की गौशाला है, और ये हमने इसका चुनाव इसलिए किया था कि जो दूध जो है, एक तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो दूध की संज्ञा है वो केवल भारतीय गायों को ही दी गई है जी। और अब हम आते हैं कि इसके गौ आधारित खेती पर, जो इसके गोबर और गौमूत्र के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो किसी और गोबर में नहीं पाए जाते। अगर अब हम पौराणिक समय में जाएं तो उस वक्त भैंस और ये जो अभी जो अमेंडमेंट करके जो नस्ल तैयार की गई है गाय की, ये तो होती ही नहीं थी। भैंस भी केवल एक जंगली जानवर था, केवल वो जंगल में विचरण और ये सब के कार्य में ही आता था। केवल जो घरों में पालन था वो केवल देसी गायों का था, और उसी से आधारित ही खेती हुआ करती थी। और वो समय वो था कि जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, कि हमारी आर्थिक जितना भी आर्थिक पहिया घूमता है देश का वो गाय के इर्द गिर्द ही घूमता है। गाय को यदि हम देखें कि वो केवल हमें यही नहीं कि वो हमारी प्रकृति को ही देने वाली है, गाय हमारे यदि हम उस पर गाय का हम पूरा विवरण देखें तो वो हमारे पूरे जीवन चक्र को चलाती है, हमारी पूरी आर्थिक स्थिति को गाय चलाती है। इसलिए हमने देसी गायों का चुनाव करके उन्हीं पे ही आधारित भाई साहब हैं और हम हैं और एक भाई साहब और हैं, सब मिल करके और एक समाज में एक अच्छा। जनवाणी न्यूज़ से विकास गुप्ता, मेरठ।